हाय दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस दिया गया है जो कि बेस्ड ऑन नियरनेस एंड फारनेस से संबंधित हैं। आपने नियरनेस और फारनेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इसके पहले वाली कड़ी में देखा था। ये वीडियो क्रमशः जारी है, उसी में ये आगे बढ़ा हुआ है। अगर आप कोई नियम पढ़ लेते हैं और उस पर आधारित दो चार वाक्य कर लेते हैं, 10 वाक्य कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वह पक्का हो जाता है और कुछ क्लास सी फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है टीचर से डायरेक्ट संपर्क में नहीं हैं, बल्कि एक अजब सा संपर्क बन जाता है। तो देखिएगा, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नियरनेस एंड फारनेस, इसमें वाक्य है ही शड आई इंटेंड टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट। अभी इसके पहले वाली कड़ी में ही आपने देखा था कि नियरनेस को फारनेस में कैसे बदलते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मान लीजिए हम आपके साथ ही इन वाक्यों को करते हुए चल रहे हैं और आप देखते रहिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आती है या कुछ आप का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जैसे वाक्य है ही शेड, तो आपका हो गया ही शेड, दैट लगा दीजिए, आई जो है ही के हिसाब से बदलेगा क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो आई जो है आई की जगह पर ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ही आई जो है ही में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप अपना ध्यान रखेंगे इंटेंड टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट, तो आई इंटेंड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। दैट ही इंटेंडेड, इंटेंड माने होता है इरादा, इंटेंडेड टू लीव फॉर मुंबई टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। इस तरह से आप देख रहे हैं ये वाक्य चेंज हो गया। इसमें आपने दो तीन प्रकार का परिवर्तन किया। पहले आपने कनेक्टिव रखा, आई जो है ही में चेंज हुआ, इंटेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी यहाँ टू नाइट जो है दैट नाइट में चेंज। इस तरह से आके आपका पूरा हो गया। दूसरे वाक्य में देखेंगे आई सेड, ये हो गया आई सेड दैट, अब आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई की जगह पर आई ही रिप्लेस होगा, आई केम पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, दैट आई हैड कम हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। उसके बाद तीसरा वाक्य है ही सेड इट मे रेन टुमारो, ये हो जाएगा ही सेड दैट, इट में चेंज हो जाएगा माइट में, रेन टुमारो किसमें चेंज होता है जिसमें आपको पता होगा, टुमारो के लिए है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, तो आप जो है टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे। एक्सरसाइज आप ज़रूर करें तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसके बाद चौथा है मोहन शेड, आगे बढ़ते हैं, मोहन शेड दैट लगा, ये जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दैट ही केम का हैड कम हो जाएगा, हैड कम टू मी, मी जो है मोहन के हिसाब से बदलेगा टू हिम,
लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का चेंजिंग हो जाएगा। आपने देखा होगा उसमें लास्ट के लिए द प्रीवियस शब्द आया है, हैड कम टू हिम द प्रीवियस नाइट। फिर हम चलते हैं पांचवें वाक्य पर, माई फादर शेड यू मेट दिस मैन टू डेज, देखो तो जाएगा यहाँ से माई फादर शेड दैट। अब यहाँ पर यू है और इसमें आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, माई फादर शेड टू मी, मान लीजिए अपने आप को मान लीजिए, तो माई फादर शेड, तो माई फादर शेड दैट यू जो है अपने आप को मानेंगे तो माई फादर शेड टू मी दैट आई मेट दैट मैन टू डेज यगो का बिफोर। यहाँ पर आई हैड मेट भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप यू मेट पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं तो आई हैड मेट, और नहीं तो ऐसे भी अब चल सकते हैं। हमें ध्यान रखना है वो जो है चेंज हो गया बिफोर में। आगे है छठवां वाक्य, टंडन सेड दैट मिस्टर योगी में का चेंज हो जाएगा माइट में, माइट कम दिश का हो जाएगा दैट यूनिक। उसके बाद द नर्स शेड द पेशेंट फील्स बेटर नाउ, तो द नर्स शेड दैट द पेशेंट फील्स बेटर नाउ का देन। और अंतिम वाक्य है राम सेड दिस इज माई पेन, तो इसमें राम तुरंत कह रहा है और सामने ही आप देख रहे हैं दिस लगा है, तो एक कासन वाला, यहाँ सावधानी रखना होगा आपको दैट दिस वाज माई के बजाय राम के हिसाब से हो जाएगा इज पेन। इस तरह से आपकी सुविधा के लिए कुछ वाक्य यहाँ पर एक्सरसाइज के रूप में हमने करा दिया, जो कि बेस्ड ऑन नियरनेस और फारनेस पर संबंधित है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, कहीं भी किसी प्रकार की अगर असुविधा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसके अलावा जो भी सुझाव आपका होगा वो सिरोधार्य होगा। और बाकी आप जो है इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना सुझाव देते रहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।